मेरी भी बात हो रही है कि कल सुबह करीब 1 बजे आ रहे हैं आपके राष्ट्रीय जन समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। आज पूरे संगठन के लोग यहाँ फाटक पे मौजूद हैं। खुद मेरी बात हो रही है इस वक्त जनपद गाजीपुर के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी से। जानना चाहता हूँ कितनी तैयारियाँ हुई हैं और क्या आपका प्रोग्राम है। कल समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आगमन है और यहाँ पर सारी तैयारियाँ पूर्ण हो गई हैं। हेलीपैड से लेकर ये शोकाकुल परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। पूरी प्रोटोकॉल के अनुसार सभी तैयारी संगठन के तरफ से पूर्ण है। वो कल समय से आएंगे और यहाँ शोक संवेदना करके पुनः वापस जो है कि हेलीपैड से लखनऊ के लिए जाने का होना यहाँ आने का है। ये 12:30 बजे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन जो है कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी शहीद इंटर कॉलेज में और वहाँ से सीधे शोकाकुल परिजनों के परिवार में पहुँचकर माननीय सांसद गाजीपुर अफजल अंसारी जी और मोहम्मदाबाद के विधायक माननीय शोएब अंसारी जी के आवास आएंगे और यहाँ पर स्वर्गीय पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और पुनः जो है कि हेलीपैड से वापस जाने का काम कब्रस्तान भी जाएंगे। अब प्रोटोकॉल के अनुसार ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। अब वो शोकाकुल परिजनों के यहाँ तक आना है और यहाँ से जाएंगे। प्रेस वार्ता कब तक करेंगे वहाँ पर? ये वापस जाने के बाद मीडिया के लोगों से वहाँ मुखातिब हो लेंगे, जिसकी बात संगठन के तौर से मैं पहुँचाने का काम करूँगा। ये इंटर कॉलेज, शहीद इंटर कॉलेज, प्रेस के लोगों से वहीं पर जो है कि हम बात करेंगे। जनता से क्या संबोधन करेंगे? जनता से हम कहेंगे कि सब लोग शांति बनाए रहें। शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो बिना शोरगुल का, बिना नारा टंपो फूल माला का, वो सादगी के साथ आएंगे और इस दुख के घड़ी में शोकाकुल परिजनों को ये जो है कि ढाढ़स देने का काम करेंगे कि ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे और उनको इस दुख को सहने की शक्ति दे और इस संवेदना को व्यक्त करते हुए वापस जाने का काम करेंगे। मैं संगठन के तरफ से भी चाहूँगा कि पूर्ण रूप से शांति पूर्ण ढंग से कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उसी रूप में जो है कि सब लोग सहयोग करें। जनता से भी सहयोग आपके? जनता से भी यही अपील है कि जो जहाँ रहे शांतिपूर्ण रहे और शांतिपूर्ण ढंग से ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन का इंतजार करें। और शोक संवेदना में आ रहे हैं इसलिए किसी से बहुत बड़ी अपील नहीं है कि यहाँ पर एक जगह कोई इकट्ठा न हो, भीड़ न जुटाने का काम करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आवे और प्रोटोकॉल के अनुसार उस गंतव्य से वापस जाने का काम करें शोकाकुल परिजन से मिलकर। शुक्रिया। देखा आपने, आपकी ख़ास अपील है कि आप जहाँ भी रहें वहीं रहें और सिर्फ आ रहे हैं मुख्तार अंसारी के दुख घड़ी में फाटक में आपके अफजाल अंसारी और सिबतुल्ला अंसारी और हम यहाँ के विधायक जो हैं शोएब अंसारी, हम तमाम क्षेत्र की जनता की से उम्मीद करते हैं, जैसा कि आपने अपील किया है कि इस ग्रुप धड़ी में और आम तौर पर लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो गरीबों के मसीहा थे उनकी दुख घड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अखिलेश जी आ रहे हैं। 22 न्यूज़ के लिए जावेदुद्दीन अली की विशेष रिपोर्ट।